Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या दिखाने वाली हूँ. जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ 5 सेल्फ पोर्ट्रेट आइडियाज शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट फोटो के लिए मैं विंटेज सेटअप और विंटेज लुक क्रिएट करने वाली हूँ. मैंने इसके लिए बैकग्राउंड को व्हाइट रखा, उसके ऊपर एक पुराना वुडन का फोटो फ्रेम था उसको रखा, और एक वुडन का ही चीज़ है पर इसका नाम मुझे नहीं पता उसको रखा. फिर एक छोटा सा टीवी है मेरे पास, ये भी पुराना ही है तो उसको रखा. उसको मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ था. इस आउटफिट के लिए मैंने एक ब्लैक कलर की स्लीवलेस टॉप पहना और एक मम्मी की साड़ी को ड्रेस की तरह मैंने ड्रेप कर लिया. तो टीवी को हाथ में लेकर फ़ोटो खींचा, फिर उसको पिक्सल में मैंने विंटेज इफेक्ट लगाकर एडिट किया, फिर रिजल्ट ये रहा. सेकेंड फोटो के लिए मैंने एक ब्लैक कलर की टॉप पहना और बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा, फिर एक छोटा सा गुलाब का फूल मेरे कान के ऊपर रखा, फिर फोटो खींचा, फिर फोटो एडिट किया, फिर ये रहा रिजल्ट. थर्ड सेल्फ पोर्ट्रेट आइडिया के लिए मैंने एक बड़ा सा कार्टून लिया और बैकग्राउंड को मैंने व्हाइट रखा. उसी कार्टून को मैं हाथ में लेकर फोटो खींचा, फिर उसको मैंने पिक्सआर्ट पे एडिट किया और उसी कार्टून के ऊपर मैंने स्काई का स्टिकर लगा दिया. फिर फोटो एडिटिंग के बाद इस तरह लग रहा था. फोर्थ सेल्फ पोर्ट्रेट आइडिया के लिए मैंने एक पेपर लिया, फिर उसी पेपर को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया, फिर फेस के एक साइड में मैंने उस पेपर को चिपका लिया, फिर फोटो क्लिक किया, ये रहा रिजल्ट. फिफ्थ सेल्फ पोर्ट्रेट आइडिया के लिए मैंने कुछ एल्यूमिनियम फॉइल को फेस के ऊपर ऐसे लगाकर उसको फेस का शेप दे दिया, फेस मास्क बना लिया. फिर बैकग्राउंड के लिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उसको क्रश कर लिया, फिर टेप से उसको एक साथ लगा लिया, फिर वॉल में स्टिक कर लिया, हो गया बैकग्राउंड. और फिर वहाँ पर उसी मास्क को लेकर फ़ोटो खींचा, फिर फ़ोटो खींचने के बाद एडिटिंग के बाद ये रहा रिजल्ट. मेरी ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टाटा, टेक केयर.